कहानी शुरू होती है। इस लड़की को होश आता है, ये बहुत घबराई हुई है, इसके पास कुछ टूल्स रखे हैं। सामने भागती है, एडी को कहती है हिलना मत, मगर वो डरता है और खड़ा होता है। वैसे ही टीवी से जिग्सो कहता है, तुम्हें जान बचाना है तो अपने गोश की कुर्बानी देना होगी। तुम्हारे पास 60 सेकंड है, फिर सर पर बंधा डिवाइस टाइट होने लगेगा और दोनों खत्म। एडी चाकू उठाकर पेट काटने लगता है तो एमी हाथ काटने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत डरती और घबराती है। एडी पेट का टुकड़ा काट के वेट करता है और दूसरा काटने लगता है। एमी बहुत तकलीफ में है, दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं। एडी ने दूसरा टुकड़ा काट के वेट कर लिया, मगर एमी का अभी तक हाथ नहीं कटा है, दोनों बहुत दर्द में है। सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं तो एमी जल्दी करती है और हाथ तोड़ने लगती है, जोर जोर से मार के तोड़ती है। एडी तीसरा टुकड़ा लेके बढ़ता है, एमी दर्द में मुश्किल से हाथ लेके आगे बढ़ती है। एडी टुकड़ा डालता है, इधर एमी हाथ डालती है, दोनों नीचे गिरते हैं, परला एमी की तरफ झुकता है। टाइम खत्म, डिवाइस एडी के सर पर टाइट होता है तो एडी खत्म और एमी दर्द में चिल्लाती है। अब हॉफमैन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आता है तो एरिक कहता है, इस बॉडी पर स्ट्रोम के फिंगरप्रिंट मिले हैं, शायद स्ट्रोम जिग्सो बन गया है, पीछे आओ, किसी से मिलाना है। हॉफमैन अंदर आते ही शॉक है, सामने एजेंट पेरेस है जो फोर पार्ट में जिग्सो की शिकार हुई थी, मरते वक्त हॉफमैन का नाम लिया था। यहाँ जिल को जॉन के दिए बॉक्स से कुछ फाइल्स मिलती है और पार्सल होते हैं, इनमें अगले गेम के विक्टिम है। यहाँ डॉक्टर ने पता लगाया कि ये बॉडी पर जिग्सो निशान जॉन के चाकू से मैच नहीं होता। एरिक कहता है ये निशान सेट से मैच होता है, जिसने तुम्हारी बहन को मारा था। हॉफमैन कहता है वो स्ट्रोम होगा। फिर जिल के हॉस्पिटल आता है और सभी फाइल्स मांगता है, जिल सभी फाइल्स इसके हवाले करती है। हॉफमैन कहता है अब मैं अकेला गेम खत्म करूंगा, जॉन खत्म हुआ तो अब ये गेम भी खत्म होगा। यहाँ विल जिग्सो न्यूज देखता है और लाइट चली जाती है, ये घबराता है। ये देखता है सामने कोई आ रहा है तो गन उठाकर छुपते हुए इस आदमी के पीछे आता है। मौका मिलते ही गोली मारता है, देखता है तो सिक्योरिटी गार्ड था, इतने में पीछे से जिग्सो बेहोश करता है। जब आंख खुलती है तो बंधा हुआ है, मुंह पर मास्क है। सामने टीवी से जॉन कहता है, तुम लोगों को बताते थे कब मरेगा और कब तक जिएगा, अब तुम्हें गेम खेलना है। अगर 60 मिनट में पास नहीं हुए तो हाथ में बम लगे हैं, वो फट जाएंगे और कभी अपनी फैमिली नहीं देख पाओगे। यहाँ माँ और बेटा जिग्सो के जाल में फंसे घबराते हैं, सारा गेम टीवी से देखने वाले हैं। यहाँ जॉन कहता है पहला गेम है अपनी सांस पर कंट्रोल करना। सामने टोमी है, ये खूब सिगरेट पीता है। अब तुम दोनों में से कोई एक बचेगा जो अपनी सांस रोक सकेगा, तो दोनों सांस रोक लेते हैं और तड़पते रहते हैं। कुछ देर बाद टोमी सांस लेता है, मशीन टाइट होने लगती है। अब विल सांस लेता है, मशीन कसती है। टोमी खुद को नहीं रोक पाता, सांसें भरने लगता है, मशीन कसती जाती है और टोमी की कमर टूट जाती है। फौरन विल खुलता है, बैट खोलते ही नीचे गिरता है, देखता है पेट पर टाके लगे हैं, बहुत दर्द में है। आगे बढ़ता है, 55 मिनट बचे हैं। सामने से चाबी लेके एक हाथ का बम खोलकर आगे जाने लगता है। यहाँ माँ बेटे दोनों परेशान है, सामने लिव और डाई लिखा है और एसिड रखा है, अगर लीव खींचा तो एसिड की बारिश हो सकती है। यहाँ हॉफमैन देखता है दो विक्टिम आ गए, तीसरी लाना बची है। ये जिल से मिलने आती है लेकिन ये मिलने से मना करती है, जेनिक वापस जा रही है, इतने में जिग्सो पकड़ लेता है। यहाँ विल अगले गेम में है, सामने लिखा है इन्हें पकड़ो। विल के पकड़ते ही डोल नीचे आके कहती है, सामने तुम्हारे लिए काम करने वाले एक बुढ़िया दूसरा जवान, अब बताओ कौन ज्यादा जिएगा और कौन कम। दोनों जान की भीख मांगते हैं, जवान कहता है मैं अभी ज्यादा जीऊंगा, बुढ़िया कहती है मेरी फैमिली है, बच्चे है। विल रोने लगता है, बहुत डरा हुआ है, माफी मांगता है। इतने में जवान को छोड़ता है और बुढ़िया को पकड़ता है, ये नीचे गिरता है, कांच से टकरा के मर गया और बुढ़िया शुक्रिया कहती है। विल छोड़कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ हॉफमैन को कॉल आता है, एरिक कहता है सेट मर्डर केस की टैप मिल गई, तुम आ जाओ। यहाँ जिल हॉस्पिटल आई है, इस पार्सल को किसी को देने और पास्ट याद आता है। जब तीसरे पार्ट में हॉफमैन जॉन की मदद कर रहा था तो अमांडा और इसका कुछ लफड़ा था। अमांडा जॉन को ले जा रही है, रास्ते में जिल मिलती है, ये सब करने को मना करती है तो जॉन ने एक चाबी दी थी जो इस बॉक्स को खोलने में काम आई। ये टेंशन में इस पार्सल को डिलीवर करती है और सीसीटीवी फुटेज में आती है। विल अगले गेम में आ गया है, जिग्सो कहता है नीचे एक लड़की है, इसको बचाना है तो खुद को तकलीफ देना होगी।
इसके पास 90 सेकंड है इस मशीन को खोलने के लिए, वरना ये मशीन इसकी छाती पर चलेगी और ये मरेगी। लड़की खुलते ही पागल होने लगती है। विल कहता है आगे बढ़ो, हिम्मत करती है और आगे बढ़ती है। सामने गर्म हवा है जो लड़की को तकलीफ देती है, तो ऊपर से विल खुद तकलीफ लेता है और लड़की आगे बढ़ती है। विल दर्द में चिल्लाता है, फिर छोड़ता है। नीचे लड़की का पैर जलने लगता है, ये चिल्लाती है, मचलती है। अब देखती है तो सामने और ज्यादा मुश्किल है, मगर ऊपर विल दर्द बर्दाश्त करता है, हिम्मत करके ये भागती है। विल जोरों से चिल्लाता है, छोड़ देता है। नीचे लड़की का चेहरा जलता है, ये तड़पती है और भागती है। लीडर चढ़ के ऊपर आती है, देखती है सामने विल के फोटो है और चाबी विल के अंदर है। 20 सेकंड बचे है, विल देखता है टाके जभी लगे है। ये बाहर आती है, कटर से विल को काटने की कोशिश करने लगती है। विल रोकता है मगर नहीं मानती। अब विल मारता है लेकिन ये वापस आती है और टाइम खत्म होता है। मशीन टाइट होती है, गोलियां चलने लगती है, ये पीछे की तरफ गिरती है और मर जाती है। विल ये देख रोने लगता है। यहाँ जिल नंबर 6 की फाइल अपने साथ ले जा रही है और डरी हुई है। विल अगले गेम में आ गया है। सामने 3 लड़की और 3 लड़के बंधे हैं जो इसके लिए काम करते हैं। जिक्सो कहता है इनमें से 2 बच सकते हैं, अपना खून कुर्बान करो वरना सब मारे जाएंगे। फिर ये मशीन रुकती है, सामने गन लोड होती है। ये भीख मांगता है, विल कोशिश करता है मगर हिम्मत नहीं होती और ये खत्म। अब सभी चिकने चिल्लाने लगते हैं, अपनी जान की भीख मांगते हैं और इतने में मशीन फिर रुकती है। ये कहती है मेरे 2 बच्चे हैं, तो विल का हाथ मशीन में डालते ही खून निकलता है। विल तकलीफ बर्दाश्त करता है, ये बच जाती है। ये लड़की कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर सब कहते हैं ये झूठी है, गन लोड होती है, विल कुछ नहीं करता और ये खत्म, सब चिल्लाते हैं। अब ये लड़का भी मर जाता है और ये लड़की आती है, विल खून देता है और ये बच जाती है, तो लड़का नाराज होता है, कहता है कमीने मुझे मार रहा है तो मरते हुए देख। विल ऊपर देखता है और ये खत्म, सब इमोशनल होते हैं। विल आगे जाता है, अब 14 मिनट बचे है, सामने चाबी मिलती है, लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ से एक मर्डर केस की टैप की ओरिजिनल आवाज हो रही है, ये देख हॉफमैन डरा हुआ है। जैसे ही आवाज क्लियर होती है तो हॉफमैन एरिक का गला काटता है और पेरिस पर गर्म कॉफी फेंकता है, फिर मशीन को खराब कर देता है। पेरिस गोली चलाती है, हॉफमैन लड़की को आगे करता है और पेरिस को चाकू घुसा घुसा कर मार देता है। फिर बाहर आता है, कार से हाथ लेता है, ये हाथ स्ट्रोम का है, वो दब के मर गया मगर हाथ बच गया तो हॉफमैन ने रख लिया और गेम में यूज किया। अब अंदर आता है और सभी सबूत पर स्ट्रोम के फिंगरप्रिंट डालता है और सभी पर तेल छिड़क के आग लगा देता है। यहाँ जिल आती है, गेम देख के हैरान है, साइड से लेटर लेकर टेबल पर रख देती है। हॉफमैन अंदर आता है, देखता है लड़का खींचने वाला है, माँ डरती है और ये भी डरती है। ये खींचता है मगर कुछ नहीं होता तो पागल होने लगता है। अब 30 सेकंड बचे है, इसको लेटर देख के पास्ट याद आता है, जब जिल के साथ सेसिल ने जो किया था, इसके साथ अमांडा शामिल थी और ये सब जॉन को पता था, ये लेटर में लिखा है और तीसरे पार्ट में अमांडा को हॉफमैन ने दिया था। लिन को मारने को कहा था, जिसके बाद जॉन और अमांडा को मरना पड़ा, ये सब हॉफमैन का प्लान था। पीछे से जिन आती है और करंट दे के बेहोश करती है। यहाँ भागते हुए विल अंदर घुस गया और टाइम खत्म हुआ। अब देखता है सामने माँ बेटा है और साइड में गर्लफ्रेंड है, वो भागता है और मदद को चिल्लाता है। ये कहती है उस दिन तूने मेरे पति को मार दिया था, बेटा भी गुस्सा है। टीवी से जॉन कहता है मैं तुम्हें मौका देता हूँ पति की मौत का बदला लेने का या माफ करने का, जो करना है तुम पर है। यहाँ जिल अमांडा वाला मास्क निकालती है और हॉफमैन को पहनाती है, लोग करती है, थोड़ी इमोशनल है। कहती है जॉन ने तेरे लिए 5 फाइल्स दी थी, मगर 1 फाइल मुझे दी थी जिसमें तू था। विल माफी मांगता है मगर ये आगे बढ़ती है सजा देने को, लेकिन घबरा कर पीछे होती है तो बेटा आता है और सजा देता है। ऊपर से इंजेक्शंस आते हैं और विल में घुसते हैं, पाइप में एसिड आना शुरू होता है, सभी चिल्लाने लगते हैं। विल बहुत दर्द में है, चिल्ला रहा है, इसका बदन गलना शुरू होता है, सभी परेशान है। यहाँ हॉफमैन तड़प रहा है, 50 सेकंड बचे है, जिल कहती है गेम ओवर और चली जाती है, ये तड़पता रहता है। विल पास्ट याद करता है, इसका जिस्म गलने लगा है, सब देख के चीख रहे हैं, घबरा रहे हैं, इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। यहाँ हॉफमैन मुंह मार मार के हाथ तोड़ लेता है, फिर बाहर निकाल कर दूसरा हाथ खोलता है, मशीन हटाने की कोशिश करता है मगर नहीं खुलता, ये मुंह विंडो में घुसा देता है और टाइम खत्म, मास्क बंद होता है।
हॉफमैन तड़प रहा है, बड़ी मुश्किल से मुंह बाहर निकालता है, मास्क बंद होता है, नीचे गिरता है। हॉफमैन का आधा मुंह खराब हो गया, वो दर्द में चिल्लाता है। ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो।